फीस चैनल। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पार वैल्यूज को, कॉर्पोरेशन का आपको बताऊंगा, कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक का बताऊंगा, पेड इन कैपिटल और एडिशनल पेड इन कैपिटल, इन चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉर्पोरेशन को देखते हैं। एक जो कॉर्पोरेशन के जो एसेट होते हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं, एक तो लायबिलिटीज और दूसरा उसकी शेयर होल्डर इक्विटी। अब शेयर होल्डर इक्विटी जो है इसके दो हिस्से होते हैं, और अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये बैलेंस शीट की इक्वेशन है, जिसके अंदर एक तरफ एसेट्स हैं और दूसरी तरफ लायबिलिटी और शेयर होल्डर इक्विटी है। अब जैसा कि मैं कह रहा था कि शेयर होल्डर इक्विटी के दो हिस्से होते हैं, एक होता है कैपिटल स्टॉक और दूसरा होता है रिटेन्ड अर्निंग। अब जो कैपिटल स्टॉक होता है वो हमेशा बढ़ता है, और बढ़ता कब है ये, जब हम लोग शेयर्स को इशू करते हैं। और जो आपके रिटेन्ड अर्निंग होती है ये बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है हमारे प्रॉफिट या लॉस के ऊपर, जो कि हमारे इनकम स्टेटमेंट में आ रहा होता है वो क्लोज होता है रिटेन्ड अर्निंग में, और उसका असर पड़ता है रिटेन्ड अर्निंग्स पे। अगर प्रॉफिट होता है इनकम स्टेटमेंट में तो हम लोग रिटेन्ड अर्निंग को इंक्रीज करते हैं, और अगर लॉस होता है इनकम स्टेटमेंट में तो हम लोग रिटेन्ड अर्निंग को डिक्रीज करते हैं। इसी तरह कैपिटल स्टॉक जो होता है इसकी दो किस्में और होती हैं, एक होती है प्रेफर्ड स्टॉक। प्रेफर्ड स्टॉक जो होती है वो जब डिविडेंड हम लोग देते हैं उसके अंदर प्रेफर्ड स्टॉक में, तो हम लोग सबसे पहले डिविडेंड हम लोग प्रेफर्ड स्टॉक वालों को देते हैं। जब भी डिविडेंड अनाउंस होगा तो सबसे पहले डिविडेंड का हिस्सा जाएगा प्रेफर्ड स्टॉक को। इसकी पहले से प्राइसेस फिक्स होती हैं कि एक शेयर पे इतना प्रेफर्ड स्टॉक दिया जाएगा, और प्रेफर्ड स्टॉक रखने वाले को एक इन्वेस्टर कहा जाता है, इसके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता। दूसरी टाइप होती है कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक के अंदर जो हमारे पास जो डिविडेंड होते हैं वो कोई फिक्स नहीं होते, उसकी कोई एक अमाउंट नहीं बताई जाती कि इतने डिविडेंड दिए जाएंगे, बल्कि जो प्रेफर्ड स्टॉक का हिस्सा बचता है वो हम लोग कॉमन स्टॉक वालों को देते हैं, और अगर नहीं बचता प्रेफर्ड स्टॉक को हिस्सा देने के बाद तो कॉमन स्टॉक वालों को पे नहीं किया जाता। ये हम बात करें डिविडेंड्स की। और जो कॉमन स्टॉक जो रखता है बंदा वो ओनर कहलाता है कंपनी का, उसके पास ओनरशिप होती है कंपनी की, जितने स्टॉक होंगे उतनी परसेंट ओनरशिप उसकी बढ़ेगी, और इसके पास वोटिंग राइट्स भी होते हैं। तो प्रेफर्ड स्टॉक की जो टाइप्स होती हैं ये भी दो टाइप्स के होते हैं प्रेफर्ड स्टॉक, एक कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव। कम्युलेटिव स्टॉक्स में क्या होता है कि जब कंपनी किसी साल पैसे नहीं दे सकती या फिर उसका प्रॉफिट नहीं होता तो वो इस चीज़ का ट्रैक रखती है कि प्रेफर्ड स्टॉक के हमें पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन ये एक लायबिलिटी बन जाती है कि हमें ये पैसे देने हैं। अगर किसी साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है तो वो उस साल के जितने भी डिविडेंड बनते होंगे वो अगले साल देगी, और फिर अगर अगले साल भी नहीं दे पाई तो वो भी ऐड अप हो जाएंगे, और उसके बाद तीसरे साल में वो पिछले दोनों सालों के पैसे देगी। लेकिन जो नॉन कम्युलेटिव टाइप होती है उसके अंदर अगर किसी साल कंपनी को फ़ायदा नहीं हुआ तो जो शेयर होल्डर्स हैं प्रेफर्ड स्टॉक के, जो कि नॉन कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक्स हैं, उसके अंदर उनको पैसे नहीं मिलेंगे। अगर फ़ायदा होगा उसी साल मिलेंगे, अगले साल अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो नहीं मिलेंगे, उसके बाद साल में फ़ायदा हुआ तो सिर्फ और सिर्फ उसी साल के मिलेंगे जिस साल फ़ायदा हुआ है या फिर जिस साल कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किए हैं। लेकिन कम्युलेटिव में उन सालों के डिविडेंड भी मिलते हैं जिन सालों में कंपनी को फ़ायदा नहीं हुआ या कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है। तो ये फ़र्क हुआ प्रेफर्ड स्टॉक के दो टाइप्स में, कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव। इनके नामों से ही पता लग रहा है कि कम्युलेटिव एड अप होते रहेंगे उनके जितने भी डिविडेंड हैं, और नॉन जो हमारी बैलेंस शीट होती है उसका जो शेयर होल्डर इक्विटी का सेक्शन होता है, एक एसेट का सेक्शन होता है, एक लायबिलिटी का होता है, और तीसरा जो सेक्शन होता है वो होता है शेयर होल्डर इक्विटी, वो कुछ इस तरह से दिखता है। इसके अंदर हम लोग जो PS वगैरह और ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये मैं आपसे अभी डिस्कस करूँगा क्या होती हैं चीज़ें, लेकिन बस आप अभी ये देख लें कि इस तरह से हमारा सेक्शन दिखता है, तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर जो PS लिखा हुआ है ये प्रेफर्ड शेयर लिखा हुआ है। हो सकता है कि दूसरे बहुत सारे तरीके हों इन चीज़ों को लिखने के, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, अगर आप ये समझ लेंगे तो आपको दूसरे तरीके समझने में आसानी रहेगी।
पी एस की मतलब है प्रेफर्ड स्टॉक, और इसकी जगह सी एस या फिर कॉमन स्टॉक भी लिखा हुआ हो सकता है। तो इससे हमें पता लगता है कि ये प्रेफर्ड स्टॉक है या फिर ये कॉमन स्टॉक है। इसके अंदर जो अगली चीज़ है वो है परसेंटेज में एक वैल्यू लिखी हुई है। इसका मतलब है कि इसके अंदर हम लोग डिविडेंड को बता रहे हैं कि इतने परसेंट डिविडेंड मिलेगा एक प्रेफर्ड स्टॉक पे। अगली जो चीज़ है वो है पार वैल्यू। पार वैल्यू दरअसल एक शेयर की खरीदने की वैल्यू है कि उस शेयर को हम लोग खरीदेंगे तो कितने पैसे में खरीदेंगे। तो पार वैल्यू और डिविडेंड में फ़र्क ये है कि पार वैल्यूज जो हैं वो जो हम लोग कोई शेयर खरीदने जाएंगे तो उस वक्त हमें पार वैल्यू जितनी प्राइस देनी पड़ेगी, जैसे कि $100 इस एग्जाम्पल के मुताबिक $100 देने पड़ेंगे एक शेयर लेने के लिए। और जो डिविडेंड होगा वो जो एक साल या दो साल जितने भी साल बाद, छः महीने बाद जब कंपनी को फ़ायदा होगा या कॉर्पोरेशन को फ़ायदा होगा तो वो अनाउंस करेगी कि भाई हम इतने डिविडेंड दे रहे हैं। तो जो हमारा प्रॉफिट होगा एक शेयर के ऊपर तो वो 10% होगा इस एग्जाम्पल के मुताबिक। तो ये डिविडेंड और पार वैल्यू का फ़र्क था। उसके बाद हमारे लिखे हुए हैं कि 50,000 शेयर ऑथराइज हमने कराए हैं कि हम लोग 50,000 हम लोग शेयर्स हम लोग दे सकते हैं, लेकिन हमने अभी तक इशू किए हैं सिर्फ और सिर्फ 20,000 शेयर्स। तो ये वाली चीज़ जो लिखी हुई है वो लिखा हुआ है कि 20,000 शेयर्स सिर्फ इशू किए हैं अभी तक। आखिरी चीज़ जो लिखी हुई है उसके अंदर पेड इन कैपिटल है। पेड इन कैपिटल क्या होता है? जो पैसे हम लोग शेयर्स को बेच के कमाते हैं, जैसे कि हमने सिर्फ और सिर्फ 50,000 हमने ऑथराइज कराए थे लेकिन उसके अंदर से हमने सिर्फ 20,000 शेयर्स को इशू कराया है। और अब इशू कराने का मतलब है हमने सेल कर दिए। सेल किस प्राइस पे हुए हैं यहाँ पे देखेंगे उसकी पार वैल्यू। पार वैल्यू क्या थी? 100। तो 100 को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ इशूड शेयर से तो हमारे पास निकल के आ जाएगी इसकी कि हमने पेड इन कैपिटल निकल के आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमने अपनी कंपनी के शेयर्स बेच के कितने पैसे कमाए टोटल। तो ये हो गए आपके पेड इन कैपिटल। पेड इन कैपिटल की एग्जांपल देख लेते हैं कि वो अमाउंट जो हम लोग शेयर्स को सेल करके लाते हैं, इसका फॉर्मूला जो होता है वो पार वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं इशूड शेयर से कि कितने शेयर इशू करा चुके हैं। एक और चीज़ होती है इसके अंदर एडिशनल पेड इन कैपिटल। ये वो पैसे होते हैं कि जो हमारी एक तो फिक्स अमाउंट होती है पार वैल्यू, जो हमारी पार वैल्यू है वो तो एक फिक्स अमाउंट है कि इतने पैसे आने ही आने हैं, ये हमने एक मार्केट वैल्यू हमने फिक्स कर दी। लेकिन हमें इन्वेस्टर्स उससे ज़्यादा पैसे दे सकते हैं मार्केट में, और अगर हम लोग इसमें कामयाब हो जाते हैं कि हम लोग अपने पार वैल्यू से ज़्यादा अगर हम लोग पैसों में अपने शेयर को बेचते हैं, जैसे कि पिछले एग्जांपल में $100 थी पार वैल्यू, अगर हम लोग उसको $200 की या $300 का बेच देते हैं एक शेयर, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आई है उसको हम लोग कहेंगे एडिशनल पेड इन कैपिटल। तो इसके अंदर इसका जो फॉर्मूला है वो पेड इन कैपिटल में से जितने भी पैसे हमें रिसीव किए हैं हम लोगों ने, जितने टोटल पैसे आए हैं जो एक्सेस हैं या फिर जो पेड इन कैपिटल है, दोनों को दोनों की अमाउंट के जितने पैसे हमने रिसीव किए हैं, जैसे कि $300 का हमने शेयर बेचा तो 300 यहाँ पे आ जाएगा, और उसमें से माइनस कर देंगे पेड इन कैपिटल। इसका मतलब है वो जो पार वैल्यूज वाला जो फार्मूला है ये पूरा उठ के यहाँ पे आ जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। इसमें से मतलब है कि $100 माइनस कर देंगे, 300 का हमने बेचा था लेकिन उसकी असली पार वैल्यू थी 100, तो 300 में से 100 माइनस कर देंगे तो जो पैसे बचेंगे वो हमारे होंगे एडिशनल पेड इन कैपिटल। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि हमारे पेड इन कैपिटल के ऊपर जो हमें फ़ायदा हुआ, जो हमें प्रॉफिट हुआ, वो हम लोग कहेंगे एडिशनल पेड इन कैपिटल। एक एक एग्जाम्पल देखते हैं कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि अमाउंट बाय सेलिंग शेयर्स। अब सिंपली हमारे $50 हमारी पार वैल्यू है, जैसे कि हम लोग बेच रहे हैं 40,000 शेयर्स, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसकी जनरल इक्वेशन कैसे होगी या जनरल एंट्री कैसे होगी। सबसे पहले हम लोग जो कैश रिसीव करेंगे वो 50 पार वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 40,000 से, तो इतना हमारे पास कैश आएगा। और जो हमारा कॉमन स्टॉक होगा उसकी उसके अंदर एंट्री आएगी, जो डेबिट होगा हमारा कैश में होगा, जो क्रेडिट होगा हमारा कॉमन स्टॉक में, वो 50 × 40,000। सिंपल, ये तो सिंपल पेड इन कैपिटल था। अब हम लोग देखते हैं एडिशनल पेड इन कैपिटल। इसके अंदर हम लोग जो हमारी जो शेयर की वैल्यू है इससे जो ऊपर आने वाले पैसे हैं उसको भी देखते हैं। मतलब है कि हमने अपनी शेयर की वैल्यू से पार वैल्यू से ज़्यादा महंगे बेच दिए शेयर,
तो इसके अंदर जैसे 50 पार थी और 40,000 हमारे शेयर इश्यूज थे, सिंपल पिछली एग्जांपल की तरह, लेकिन हमने एक शेयर को भेजा $70 पर शेयर, हमने $50 उसकी ओरिजिनल प्राइस थी लेकिन हमने $70 करके उसको बेचा, तो हमारा जो फ़ायदा होगा उसको हम लोग कैसे लिखेंगे जर्नल एंट्री में? सबसे पहले डेबिट करेंगे कैश से 70,000 × 40,000, ये एक जीरो इसमें एक्स्ट्रा हो गया है तो ये 40,000 है, 70 × 40,000, तो ये हमारे पास कैश रिसीव होगा। उसके बाद जो हम लोग क्रेडिट करेंगे वो कॉमन स्टॉक में करेंगे, कॉमन स्टॉक हमारे लिख देंगे हम लोग 50 × 40,000। क्यों? क्योंकि हमारे पास कैश तो टोटल उतना आएगा जितने की हमने बढ़ा के बेची है, लेकिन कॉमन स्टॉक हमारे उतने क्रेडिट होंगे जितने हमारे जो पार वैल्यूज थी उसके मुताबिक, 50 × 40,000। और आखिरी एक एंट्री आएगी एडिशनल पेड इन कैपिटल की, इसमें क्रेडिट होगा जिसको हम लोग लिखेंगे 20 × 40,000। ये एक एक जीरो एक्स्ट्रा हुए हैं तो इसको देख लीजिएगा, ये गलती है। तो एडिशनल पेड इन कैपिटल में 20 × 40,000, तो 70 में से 50 माइनस करें 20 आ गए, तो ये एडिशनल पेड इन कैपिटल हुआ जो हमने पार वैल्यूज से एक्स्ट्रा कमाए, तो ये इसकी जनरल एंट्री हो गई। होप आपको पेड इन कैपिटल, एडिशनल पेड इन कैपिटल, कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक का समझ आया होगा कि, और ये समझ आया होगा कि हम लोग शेयर होल्डर इक्विटी का जो सेक्शन है उसको कैसे रीड करते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, डिविडेंड वगैरह और पार वैल्यू वगैरह। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें।